सरकार द्वारा ननिहालों को बेहतर शिक्षा देने के लिए तमाम तरह की घोषणाएं की जाती है, लेकिन जब स्कूल में ना भवन है, ना शौचालय और ना बेंच डेस्क, तो फिर सरकार द्वारा बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के वायदे महज छलावा नहीं तो और क्या है। कुछ इसी तरह की तस्वीर सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज प्रखंड के गौनाहा में देखने को मिल रही है। दरअसल ये तस्वीर त्रिवेणीगंज प्रखंड के गौनाहा पंचायत वार्ड 4 के प्राथमिक विद्यालय की है। सुपौल जिले में शिक्षा की बदहाली की तस्वीर बयां कर रही इस स्कूल की स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी। स्कूल में कुल 134 छात्र छात्राएं नामांकित है। स्कूल में कुल 4 शिक्षक पदस्थापित है। भवन विहीन इस स्कूल में झोपड़ी में ही पठन पाठन का कार्य वर्षों से संचालित किया जा रहा है। शौचालय नहीं होने से छात्रों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ऐसे समय में छात्राएं घर चली जाती हैं, जिससे बच्चों का पठन पाठन प्रभावित हो जाता है। किचन सेट की स्थिति यह है कि इससे चावल सहित अन्य सामान रखा हुआ है। झोपड़ी वाले इस विद्यालय में बच्चे जमीन पर बोरी बिछाकर बैठने को मजबूर है। बेंच डेस्क की बात सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गई है। मूलभूत सुविधाओं से इस स्कूल के छात्र छात्रा बारिश और तेज धूप में कैसे पढ़ाई कर पाते हैं, ये सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। बावजूद इसके कि शिक्षा विभाग की नजर इस विद्यालय पर नहीं पड़ना शिक्षा महकमा का पोल खोल रही है। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि सरकार और शिक्षा विभाग को इस दिशा में निश्चित रूप से पहल करनी चाहिए, ताकि बच्चों को स्कूल में मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं से दूर न रहे। भवन बनना चाहिए, शौचालय की व्यवस्था होना चाहिए, बॉन्डी बॉल का व्यवस्था होना चाहिए, खेल मैदान का व्यवस्था होना चाहिए। ये सब सरकार को इस पर ध्यान हम लोग आकर्षित करते हैं, सरकार से आग्रह करते हैं कि ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे सर, खुले में बच्चा यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं? यहाँ तो वार्ड नंबर 4 है गुणा का, और खुले में बच्चे लोग पढ़ते हैं, और यहाँ न कोई शौचालय का व्यवस्था है, न कोई घर उर बना हुआ है, जिसमें पठन पाठन में भी शिक्षिका लोगों को भी दिक्कत है। यहाँ एक शौचालय सबसे पहले जरूरी है, कि कम से कम एक शौचालय चाहिए यहाँ। तो मैं यही कहूँगा कि एक शौचालय यहाँ दिया जाए, तत्काल बनाया जाए, और मकान के लिए जो होगा अपना सरकार या DM साहब जो करें। आज तक तो इस विद्यालय में कभी शौचालय का दर्शन भी नहीं हुआ। शौचालय चाहिए, विद्यालय का भवन चाहिए, बाउंड्री वॉल चाहिए, और कम से कम बच्चे सबके लिए खेल मैदान का बहुत आवश्यकता है। इतना चीज़ तो चाहिए। यह 4 है, यहाँ देख रहे हैं स्कूल है, स्कूल में कोई भवन की व्यवस्था नहीं है, बच्चे लोग खुले में पढ़ लिख रहे हैं, न शौचालय का कोई व्यवस्था है। यहाँ सरकार की तरफ से जो है भवन का निर्माण किया जाए, और यही कौन सा स्कूल है? ये स्कूल है रामनारायण मेहता प्राथमिक विद्यालय गुना वार्ड नंबर 4। क्या समस्या है यहाँ पर? समस्या तो ये है कि हम लोग लेडीज हैं चारों, और शौचालय नहीं है, उसके बाद बाउंड्री नहीं है, और विद्यालय भवन भी नहीं है। अच्छा। बच्चे सब को पढ़ने में दिक्कत होता है, खास करके वही गर्मी के और पानी बरसात के मौसम में। शौचालय कहाँ जाते हैं आप लोग? ये तो बड़ी मतलब व्यवस्था समझ लीजिए कि जो भी समझ लीजिए बहुत। आखिर पदाधिकारी आता है तो आप लोग उस पे सब नहीं कुछ कह रहे? बोलते हैं पदाधिकारी को भी, तो बोलते हैं ठीक है, हम लोग जो है ना वहाँ जाके बात करेंगे अपने पदाधिकारी के पास, फिर चलेगा। कितना साल से ये स्कूल चल रहा है यहाँ पर? 2006 से। अभी तक ये कोई शौचालय की व्यवस्था या भवन का निर्माण नहीं हुआ? क्या नाम हुआ आपका? माधवी कुमारी राय। आप क्या हैं स्कूल में? वही प्रधान शिक्षक के पद पर। प्रधान शिक्षक। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रियंका कुमारी। क्या क्या समस्या है यहाँ पर? यहाँ तो बहुत सारी समस्या है सर, जैसे पहले शौचालय की समस्या है, बाउंड्री वॉल नहीं है, पानी जत्र तत्र है, बच्चे सब खेलते हैं, बगल में सामने में नहर भी है, इसके कारण बच्चे को डूबने का बहुत ज़्यादा खतरा बनी रहती है। सड़क भी है, जो बाउंड्री नहीं है तो हम लोग को सबसे ज़्यादा टेंशन होती है कि सड़क नहीं है तो बच्चे दौड़ जाते हैं, कितने दिन आए दिन मोटरसाइकिल से या कहीं भी दुर्घटना होने का डर लगा रहता हम लोग को। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, और इस समस्या से हम लोग चारों महिलाएं जूझ रहे हैं। अच्छा, सोच के लिए कहां जाते हैं आप लोग? सोच के लिए अभी तो हम लोग भी खुले में जाते हैं, और बच्चे लोग को भी वहीं भेजते हैं, क्योंकि 9 से 7 बजे तक तो पॉसिबल नहीं है सर हम लोग को यहाँ रहना, और कहीं और भी नहीं जा सकते, घर की दूरी भी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से परेशानी है। कितना शिक्षिका है यहाँ पर? 4 शिक्षिका।
और चारों महिलाएं ही हैं, और भी ज़्यादा दिक्कत होती है हम लोग, बच्चे सबको देख रेख करना भी हम लोग की जिम्मेवारी है, तो और भी ज़्यादा परेशानी होती है। समस्या है स्कूल में? समस्या यही है, इसमें न घर है, न रहने का ठिकान है, न लैट्रिन है, न बाथरूम है। देखिए चाचा ठो लेडीज मास्टर है, उसके पास में भी तो इज्जत प्रतिष्ठा है। सख्ते विद्यार्थी सब बीज तीत के यहाँ का मास्टर और मास्टरनी रहता है, कोई व्यवस्था है यहाँ? सरकार का ध्यान है इस पर? क्या नाम हुआ बाबा? मोहम्मद इशाक। आपका बच्चा यहाँ पढ़ रहा है? हाँ पढ़ रहा।